क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत का बांग्लादेश दौरा शुरू हो चुका है, बस एक दिन का इंतजार और उसके बाद वनडे सीरीज की शुरुआत हो जाएगी बांग्लादेश की धरती पर। संडे को पहला मुकाबला खेला जाएगा अब इस सीरीज में। इस मैच में टीम इंडिया के साथ दो दिग्गजों की प्रतिष्ठा या कहेंगे दो दिग्गजों का करियर भविष्य दांव पर लग गया है और इस सीरीज में इन दोनों का बल्ला नहीं चला, इस मैच में नहीं चला तो पत्ता हो जाएगा इनका पूरी तरह से साफ। वनडे वर्ल्ड कप खेलने का सपना सपना ही रह जाएगा और दूसरा वाला तो कप्तान भी है। तो बताते हैं आपको ऐसा अचानक क्या हो गया और क्यों हो गया, क्या है ऐसा सिनेरियो। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि इन तीन शर्तों में से क्या ये दोनों खिलाड़ी अपना पास कर पाएंगे। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया तीन वनडे मैच और दो टेस्ट मैच खेलेगी और इस सीरीज की शुरुआत हो रही है वनडे मैचों से। सभी दिग्गज सभी सीनियर खिलाड़ियों को वापस लाया गया और सभी खिलाड़ी टीम में मौजूद हैं। हालात तो ये हैं कि कई दिग्गजों को बेंच पर यहाँ बैठना पड़ सकता है, प्लेइंग 11 में खेलने तक के लाले पड़ सकते हैं। यहाँ तक कि केएल राहुल जैसे जो कि उप कप्तान भी हैं, उन्हें भी टीम में जगह बनाने के लिए मुश्किल आ सकती है। तो ऐसे में दो दिग्गजों पर सबसे बड़ा संकट आ गया और उन दोनों को हर हाल में रन बनाने होंगे। हर हाल में रन नहीं बने तो टीम से बाहर होंगे और खास तौर पर तीन शर्तों के आधार पर खुद को परखना होगा, खुद को साबित करना होगा। अब इसमें पहला नाम है ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सीधे सीधे पंत को टीम से बाहर करने की डिमांड अब बढ़ने लगी है। वैसे भी पंत को लगातार कई मौके इस बीच मिले हैं लेकिन पंत का खेल लगातार खराब हो रहा है। अब भले ही पंत का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब नहीं है लेकिन हालिया फॉर्म उनकी बेहद ज्यादा खराब है और इसी वजह से अगर इन तीन वनडे मैचों में ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चलता है या कहें कि पहले दो वनडे मैचों में भी पंत का बल्ला खामोश रहता है तो फिर आगे के मैचेस में श्रीलंका वाली सीरीज के लिए पंत टीम से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। ऋषभ पंत को आगे मौका नहीं मिलेगा और वैसे भी वनडे मैचों में ईशान किशन बैकअप ओपनर हैं तो वहीं केएल राहुल भी हैं जो कि बतौर कीपर जगह टीम में बना सकते हैं। दूसरा नाम है शिखर धवन, जो कि अभी पिछली न्यूजीलैंड सीरीज में कप्तान भी थे। जी हाँ, उन्हें भी रन बनाने होंगे, उन्हें भी हर हाल में बल्ला दिखाना होगा, ताबड़तोड़ बारियां खेलनी होंगी क्योंकि धवन को वैसे ही टीम मैनेजमेंट बाहर करने पर तुला हुआ है और धवन की उम्र ज्यादा हो चुकी है, वनडे वर्ल्ड कप के प्लान में वो है नहीं। तो धवन को यहाँ पर अच्छा खेल हर हाल में दिखाना ही होगा। लिहाजा गब्बर को रन बनाने होंगे और अगर गब्बर रन नहीं बना पाते हैं तो वो भी टीम से बाहर हो जाएंगे। हालांकि शुरुआती मैचों में शिखर धवन और रोहित शर्मा ही पारी की शुरुआत करेंगे लेकिन अगर शिखर धवन भी पहले दो मैचेस में फेल होते हैं तो फिर वहां पर भी ईशान किशन और केएल राहुल में से किसी एक को ओपनिंग में मौका मिल सकता है, धवन की जगह वो खिलाड़ी ले सकता है। लिहाजा गब्बर को भी हर हाल में रन बनाने होंगे। अब यहाँ पर इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए तीन शर्तें हैं और इन तीन ही शर्तों में उनको पार पाना होगा और इनमें पहली शर्त है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। अब दोनों ही खिलाड़ी वैसे नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैं तो दोनों को ही ताबड़तोड़ शॉट्स दिखाने होंगे और दिखाना होगा कि वो वनडे मैचों में लिमिटेड ओवर्स के गेम में ताबड़तोड़ खेल दिखा सकते हैं। अब दूसरी शर्त है दोनों ही बल्लेबाजों को टिककर खेलना भी होगा, यानी कि दोनों ही खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में आते हैं और दोनों ही खिलाड़ियों को लंबी पारी खेलनी होगी और ये भी दिखाना होगा कि वो न सिर्फ ताबड़तोड़ खेल सकते हैं बल्कि लंबी पारी भी खेल सकते हैं और टीम को लंबी इनिंग दे सकते हैं। और तीसरी और जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि मझधार में फंसी टीम को संभालना, जो कि बहुत जरूरी है और ये शर्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिखर धवन और ऋषभ पंत दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और दोनों के लिए यहाँ पर खास तौर पर ये देखना होगा टीम मैनेजमेंट को कि ये दोनों खिलाड़ी अगर टीम मझधार में फंसती है, विकेट जल्दी गिरते हैं तो ये फिर खिलाड़ी कैसे टीम को संभालते हैं और कैसे आगे लेकर टीम को जाते हैं। और उसके बाद ही इन तीन शर्तों के आधार पर इन दोनों को तोला जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद आगे का फैसला होगा कि इन दोनों खिलाड़ियों का भविष्य क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये दो वो नाम है जिनको रन बनाने ही होंगे, हर हाल में रन बनाने होंगे और रन नहीं बने तो फिर अगली बार टीम से बाहर हो जाएंगे, भले ही आप पिछली सीरीज में कप्तान और उप कप्तान क्यों नहीं थे। तो आपका क्या मानना है, कितना दम है इस बात में, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भारत का बांग्लादेश दौरा शुरू हो चुका है। संडे के दिन सुबह 11:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा और मीरपुर के मैदान में भारतीय खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है। अब यहाँ पर टीम बिल्कुल बदली हुई होगी क्योंकि रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन राहुल के साथ विराट कोहली और पूरे दिग्गज सीनियर खिलाड़ी सारे के सारे वापसी कर रहे हैं। लिहाजा प्लेइंग 11 पूरी तरह से बदली हुई दिखेगी और तो सीधे सीधे टीम पर आते हैं, खिलाड़ियों पर आते हैं।
तो बांग्लादेश में भारत की बिल्कुल अलग और नई ओपनिंग जोड़ी दिखेगी, जो कि लंबे समय तक पहले तो खेलती रही है लेकिन हाल फिलहाल एक लंबे दौर के बाद साथ में नजर आएगी। जी हाँ, सही समझे आप, कप्तान रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करेंगे और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बनाया जाएगा, जो कि टीम के लिए खासा जरूरी माना जा रहा है और दोनों ही ओपनर्स पर धमाकेदार शुरुआत का जिम्मा होगा। तीसरे नंबर पर किंग कोहली खेलने आएंगे और विराट कोहली ने हाल फिलहाल T20 में जबरदस्त फॉर्म दिखाई और अब वनडे मैचों में यहाँ पर विराट की बड़ी और लंबी पारी दिख सकती है। विराट बहुत लंबा शतक मार सकते हैं। चौथे नंबर पर खेलने उतरेंगे श्रेयस अय्यर, जो कि इस पूरे साल वनडे मैचों में भारत के लिए सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं और यहाँ भी यही उम्मीद होगी। पांचवें नंबर पर आएंगे उपकप्तान केएल राहुल। जी हाँ, एक बार फिर से राहुल को वनडे मैचों में मिडिल ऑर्डर में ही खिलाया जाएगा और राहुल को यहाँ खुद को हर हाल में साबित करना ही होगा, रन बनाने ही होंगे। छठे नंबर पर खेलने आएंगे ऋषभ पंत, जो कि टीम के विकेट कीपर भी होंगे और पंत को भी अपने आलोचकों को जवाब देना होगा, अपने मुंह से, अपने बयान से नहीं बल्कि अपने बल्ले से। इसके बाद टीम में दो ऑलराउंडर रखे जाएंगे। पहले ऑलराउंडर होंगे वॉशिंगटन सुंदर, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज में शानदार वापसी कर चुके हैं, बल्ले के साथ साथ गेंद से भी धमाल मचा रहे हैं और सातवें नंबर पर आकर बैटिंग करेंगे, स्पिन डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। सुंदर का साथ देंगे अक्षर पटेल, जो कि टीम के दूसरे ऑलराउंडर हैं और अक्षर पटेल के लिए T20 वर्ल्ड कप खासा खराब गया था, लिहाजा अक्षर को यहां वापसी करनी होगी और उपमहाद्वीप की पिचों पर अक्षर पटेल का कोई जवाब नहीं है, लिहाजा अक्षर पटेल यहां भारी पड़ सकते हैं। इसके बाद तीन तेज गेंदबाज भी टीम में खिलाए जाएंगे और इसको लीड करेंगे मोहम्मद शमी। जी हाँ, मोहम्मद शमी की वनडे टीम में वापसी हुई और शमी यहाँ पर खेलेंगे और तेज गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे और नई गेंद से शमी का साथ देंगे दीपक चाहर, जो कि न्यूजीलैंड सीरीज से सीधे बांग्लादेश पहुंचे और टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं। और इसके बाद टीम के तीसरे पेसर होंगे मोहम्मद सिराज, जिनके लिए न्यूजीलैंड में T20 सीरीज काफी अच्छी रही थी और अब यहाँ सिराज को बड़ा मौका मिल रहा है अपना दमखम दिखाने का। अब हालांकि यहाँ पर शार्दुल ठाकुर भी टीम में मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल शार्दुल को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 25 रन वाला ओवर शार्दुल के लिए अभी भारी पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर 17 सदस्यीय टीम बांग्लादेश में वनडे दौरे के लिए चुनी गई है, जिसमें 6 खिलाड़ी यहाँ पर बेंच पर बैठेंगे और रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल के साथ ही मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज भी यहाँ वापसी करेंगे और टीम बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी और एक तरह से सीनियर खिलाड़ियों से सजी हुई ये टीम करीब करीब फाइनल मानी जा रही है और पहले वनडे में यही खेलते हुए नजर आएगी, जो इस साल पूरे आगे भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपका इस टीम पर क्या कहना है, क्या यही खिलाड़ी होंगे या फिर रोहित शर्मा कोई नया प्रयोग कर सकते हैं, किसी नए खिलाड़ी को जगह दे सकते हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।